जल्दी हो जाता है, स्त्री ने क्या करना, इसके बारे में आज बातचीत करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। जल्दी हो जाता है मतलब वीर्य जल्दी निकलता है, उसको बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। प्री मैच्योर मतलब समय से पहले, मैच्योरिटी के पहले। इजैकुलेशन मतलब बाहर निकलना, इजेक्ट होना। इजैकुलेशन मतलब बाहर निकलना, तो समय से पहले बाहर निकलना, इसको बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। मतलब दोनों पति पत्नी जब चाहते नहीं है उसके पहले ही वीर्य का स्खलन हो जाता है और सेक्स कंटिन्यू करना बाद में मुश्किल हो जाता है, तब उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं या जल्दी निकल जाता है कहते हैं। उसको टाइमिंग कम होना, टाइमिंग कम पड़ना, बिस्तर में पावर कम है ऐसा बोलना, स्टेमिना कम है ऐसा बोलना, शीघ्रपतन होना, वीर्यपात जल्दी होना, ऐसे अलग अलग नाम है। करीब करीब 70 से 90% लोगों को ये प्रॉब्लम है। और इसमें क्या होता है कि वो जल्दी गिरने से औरत ये बोलती है अभी मैं शुरू भी नहीं हो गई और आप ठंडे भी हो गए, और फिर वो चिढ़ाती है, वो सेक्स को तैयार नहीं होती, तो फिर उसमें आदमी को गिल्टी लगता है। फिर वो अपना मैनहुड प्रूव करने के लिए फिर कुछ ना कुछ कारण निकाल के झगड़े करेगा, मारपीट करेगा, बताना कि भाई मैं मर्द हूँ करके, और कुछ ना कुछ कारण करके उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ये होता क्यों है? क्योंकि एक तो मास्टरबेशन में मतलब हस्तमैथुन में जल्दी जल्दी करने की आदत गिर जाती है, और कम समय में जल्दी करना है लेटरिन में, बाथरूम में, तो फिर उसकी आदत लग जाती है हस्तमैथुन में। नंबर 2, सेक्स जब शादी के पहले करते हैं तभी भी वो आदत गिर जाती है कि भाई जल्दी जल्दी करना है, टाइम नहीं है, कहीं तभी इधर उधर कहीं चांस मिला वहाँ फटाफट कर लिया, तो एक वो गिरने की आदत लग जाती है और वो ऐसा एक समझ हो जाता है कि ऐसे ऐसी हो जाता है करके। तो इसमें 1 मिनट से यदि पहले गिर जाता है तो उसको बोलते हैं कि भाई डेफिनेटली इसका इलाज करना होगा। 1 मिनट से पहले, 1 मिनट से 2 मिनट इसके बीच में गिरता है तो मीडियम प्रॉब्लम है, उसका भी इलाज करना ही चाहिए क्योंकि संतुष्टि मिलती नहीं है। 2 मिनट से 5 मिनट किया तो माइल्ड प्रॉब्लम है और उसका भी इलाज करना जरूरी है। एवरेज टाइम जो पाया गया है वो 5 मिनट 40 सेकंड का है। यदि आप दवा लेते हैं, दवाइयाँ जो मैं देता हूँ, तो वो दवाइयों से कभी कभी इतने लोगों को इतना ज़्यादा फायदा होता है कि बोलते भी दवा बंद कर डालो, हमारा गिरता ही नहीं है, तो इतना लंबा चलता है, आधा 1-1 घंटा भी चलता है। तो दवाई लेना सबसे अच्छा है, बेस्ट है। और दवाई के साथ साथ आदमी ने पहले एक तो वाइफ को क्लियर बोलना चाहिए और वाइफ का सपोर्ट लेना चाहिए। क्या होता है कि लोग उसको बोलते नहीं है कि देखो मेरे को इन्हें जल्दी गिरने की आदत है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और वाइफ यदि सपोर्ट करती है तो ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगा। और वाइफ ने सपोर्ट क्या करना है? वाइफ ने सपोर्ट ये करना है कि एक तो फीमेल सुपीरियर पोजीशन में आने का है, मतलब औरत ऊपर से आदमी नीचे से, तो उसमें उसको फायदा होता है। नंबर 2, स्क्विज टेक्निक यदि औरत करती है आदमी के साथ में और उसको उसमें सपोर्ट करती है स्क्विज टेक्निक में, तो आदमी को फायदा होता है। तो उसमें स्टॉप स्टार्ट और स्क्विज टेक्निक करने का है, तो उसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जब है उसके पहले ही रुक जाना, दबाना, ढीला करना, फिर खेलना, फिर टाइट होने के बाद में फिर करना, फिर रुक जाना, ढीला करना, ऐसा करना पड़ता है स्क्विज टेक्निक। फिर कीगल्स एक्सरसाइज के लिए सपोर्ट करना हस्बैंड को, कीगल्स एक्सरसाइज बहुत फायदा होता है। थिक कंडोम्स और एनिस्थेटाइज कंडोम्स यदि वापरते हैं तो उसमें भी फायदा होता है, उसमें लिंग नम हो जाता है और नम होने से फिर उसमें जल्दी निकलता नहीं है। कुछ लोग टाइट होने के बाद में रबर बैंड लगाते, टाइट एकदम टाइट रबर बैंड लगाना, जिससे वीर्य जल्दी बाहर निकलता नहीं है, कुछ लोगों को फायदा होता है। तो ऐसे यदि अलग अलग मेथड लगाते हैं और वाइफ उसको सपोर्ट करती है, जब आदमी वाइफ को बोल देता है कि देखो मेरे को ये प्रॉब्लम है और आपका सपोर्ट लगेगा, तो 50% फायदा वहीं हो जाता है। क्योंकि जब तक छुपाता है तब तक वो ज़्यादा होता है, उसको समझता नहीं है। एक तो क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कठोरता आने में प्रॉब्लम होता है, कठोरता आ गई तो उसको लगता है कि जल्दी डालो, जल्दी गिराओ, नहीं तो निकल जाएंगे कठोरता, उसमें भी वाइफ का सपोर्ट लगेगा कि जल्दी गिर रहा है। क्यों? क्योंकि जल्दी निकल जाएंगे कठोरता, टाइट ने जल्दी निकल जाएंगे, इसलिए जल्दी डालना है उसको, तो उसमें भी सपोर्ट लगेगा। तो इन शॉर्ट क्या है कि ये समागम है, समागम दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और अक्सर हमें ये पता चलता है, ये पाया जाता है कि लोग औरतों को बोलते नहीं हैं, अपने पार्टनर को बोलते नहीं हैं, अकेले अकेले इलाज करते, छुपाते रहते हैं, और उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते रहता है। तो वाइफ का सपोर्ट लीजिएगा, काउंसलिंग में दोनों ने आने का है, उसमें आपका भला है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्रपतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोज़ो की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।